माई फूड कॉर्नर में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एकदम न्यू रेसिपी लेके आई हूँ, जिसे हम घर पर पड़े कुछ ही इंग्रेडिएंट से रेडी कर सकते हैं। ये देखने में एकदम सुंदर और खाने में एकदम टेस्टी होती है, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पैन में एक चम्मच घी डालेंगे। अब मैं इसमें एक कटोरी सूजी ऐड कर दूंगी। ये मैंने इस कटोरी से मैयर करके एक कटोरी सूजी ले ली है। आप वही कटोरी लीजिए जिससे आप मैयर करें, और बाकी के भी आपको सारे इंग्रेडिएंट्स उसी मैयरमेंट के हिसाब से डालने हैं। इसे हम मीडियम फ्लेम पर थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। इसे हमें तब तक रोस्ट करना है जब तक इसमें से अच्छी खुशबू आने लग जाए। अब इसमें से अच्छी खुशबू आने स्टार्ट हो गई है, ये अच्छे से रोस्ट हो गया है। अब हम इसमें जिस कटोरी से हमने सूजी मैयर की थी उसी कटोरी से हम इसमें दो कटोरी दूध ऐड करेंगे। इसमें थोड़ा थोड़ा दूध डालकर इसे मिक्स करते जाएंगे। जितनी हमें सूजी डालनी है उससे डबल हम इसमें दूध ऐड करेंगे। गैस को बंद करके इसे थोड़ी देर ठंडा होने के लिए, जब तक दो ठंडा हो रहा है तब तक हम चाशनी तैयार कर लेंगे। जिस कटोरी से हमने सूजी ली थी उसी कटोरी से हम दो कटोरी चीनी ऐड करेंगे इसमें, और उसी कटोरी से हम इसमें एक कटोरी पानी डाल देंगे। अब इसमें हम थोड़ी सी इलायची डाल देंगे, थोड़ा सा इसमें फूड कलर डालेंगे। ये मैंने ऑरेंज रेड फूड कलर लिया है, आप चाहे तो बिना फूड कलर के भी बना सकते हैं। चाशनी को हमें एक तार वाली नहीं बनाना है, इसे बस तब तक पकाना है कि ये थोड़ी सी चिपचिपी हो जाए। इसे हमें साथ साथ थोड़ा हिलाते रहना है ताकि चीनी नीचे चिपके ना। इसे हम चेक कर लेते हैं, ये थोड़ी सी चिपचिपी हो गई है, बस हम इतना ही से पकाएंगे। अब ये डो थोड़ा ठंडा हो गया है, अब हम इसमें मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। ये मैंने 3 चम्मच इसमें मिल्क पाउडर डाल दिया है, आप चाहे तो इसमें डेजिग्नेटेड कोकोनट भी डाल सकते हैं। अब इसे हम आटे की तरह अच्छे से गूंथ लेंगे। अगर मिक्सचर आपको थोड़ा सा चिपचिपा लगे तो इसमें आप घी ऐड कर सकते हैं, मैंने इसमें थोड़ा सा घी ऐड किया है। अभी हमारा डो रेडी है, इसकी हम छोटी छोटी टिक्कियां बना लेंगे। थोड़ा सा हाथ में घी से ग्रीस करके इस तरह से टिक्कियां बना लेंगे, आप चाहे तो इसे किसी भी शेप में बना सकते हैं। इसके ऊपर हम थोड़ा सा डिजाइन बनाएंगे, ये मैंने डिजाइन बनाने के लिए लिया है, आप कुछ भी ले सकते हैं, चाहे तो फॉक से भी बना सकते हैं। ये देखिए कितना सुंदर डिजाइन बना है, इसी तरह से हम बाकी भी बना लेंगे। ये एक कटोरी सूजी से हमारे 10 पीस रेडी हो गए हैं, एक छोटा सा बन गया। अब इसे हम फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के लिए मैंने ये घी लिया है, आप जब भी इसे फ्राई करें देसी घी या डालडी घी में ही करें, रिफाइंड या ऑयल में ना करें, क्योंकि उससे उसका टेस्ट बहुत गंदा हो जाता है। अब हम इसमें रसभरे डाल देंगे। अब इसे पलट कर दूसरी ओर से भी सेक लेंगे। गोल्डन ब्राउन हो गए, इसे हमें ज्यादा नहीं करना है। अब साथ में हम इसे चाशनी में डाल देंगे। अब हम इसे चाशनी में डाल देंगे। चाशनी आपकी ज्यादा ठंडी नहीं होनी चाहिए, थोड़ी गर्म होनी चाहिए। अगर ज्यादा ठंडी हो गई है तो आप उसे दोबारा से थोड़ी सी गर्म कर लें। इसे अच्छी तरह से चाशनी में डुबो देंगे ताकि चाशनी अच्छे से ये अब्जर्व कर लें।
ये हमारी रसीली रसभरी एकदम तैयार है। इसे हम पिस्ता से थोड़ा गार्निश कर देंगे। ये मैंने पिस्ता को क्रश करके ले लिया है। देखिए कितनी सुंदर लग रही है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बेल आइकन दबाने से आपको मेरी नई डिश की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।